नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आइए जानते हैं देश दुनिया की ताजा 25 खबर। राहुल गांधी बोले, देश की नींव कमजोर करने वाले हैं नए कृषि कानून, प्रधानमंत्री पुनर्विचार करें। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल बोले, केंद्र और राज्य सरकार के बीच टकराव की कीमत जनता चुका रही है। चिदम्बरम की विपक्षी दलों को नसीहत, कहा भरोसा करें भाजपा को हरा सकते हैं। थरूर बोले, भाजपा का दूसरा रूप बनने का जोखिम नहीं उठा सकती कांग्रेस, खत्म हो जाएगा पार्टी का अस्तित्व। वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर का बयान, कहा भारतीय अवधारणा का अंत होगा हिंदुत्व मूवमेंट की कामयाबी। पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने अरुण जेटली को बताया ज्यादा समझदार, कहा निर्मला सीतारमण चाहती थी मुझे हटाना। असम में कांग्रेस विधायक की टिप्पणी पर शर्मा का हमला, बोले चुनाव के बाद भेजूंगा जेल। कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने रेल मंत्री को लिखा पत्र, कहा बंगाल में लोकल ट्रेन सेवा जल्द हो बहाल। पीएम मोदी बोले, SC ST आरक्षण को हमने ही 10 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया, विपक्ष ने सिर्फ झूठ फैलाया। बिहार की महिलाओं से बोले पीएम मोदी, कहा माँ तुम छठ की तैयारी करो, दिल्ली में तुम्हारा बेटा बैठा है। कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 81 लाख के पार, अक्टूबर में सामने आए 30% कम मामले। देश में आज से शुरू हुआ अनलॉक 6.0, गृह मंत्रालय की ओर से कोई डील नहीं, अनलॉक 5.0 के दिशा निर्देश 30 नवंबर तक रहेंगे लागू। मध्य प्रदेश का 65वां स्थापना दिवस आज, पीएम मोदी ने दी बधाई, शिवराज ने कहा धन्यवाद। उज्जैन में भूमाफियाओं के विरुद्ध जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 68 करोड़ की कब्जा निषाद की भूमि पर निगम ने चलाई JCB। मिजोरम की रहने वाली 4 साल की बच्ची इस्टर हनामते ने गाया वंदे मातरम, पीएम मोदी ने बताया मनमोहक एवं सराहनीय। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, कहा LAC पर यथास्थिति में एक तरफा बदलाव का प्रयास मंजूर नहीं। त्रिपुरा में 90 वर्षीय महिला से 2 पुरुषों ने किया सामूहिक दुष्कर्म, FIR दर्ज। तमिलनाडु के कृषि मंत्री आर दोराईकन्नू का अस्पताल में निधन, कोरोना से थे संक्रमित। यूपी के बाद हरियाणा में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने पर विचार, गृह मंत्री अनिल विज ने किया ट्वीट। गाजीपुर में बाहुबली विधायक मुख्तार की पत्नी और बेटों के होटल पर चला बुलडोजर, छावनी में तब्दील इलाका। राजस्थान में गुर्जर समुदाय ने आरक्षण की मांग को लेकर रेलवे ट्रैक को किया ब्लॉक, शिक्षा और नौकरी में आरक्षण की कर रहे हैं मांग। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़, हिजबुल कमांडर सैफुल्ला डेर। निकिता तोमर हत्याकांड में बल्लभगढ़ में महापंचायत के बीच बवाल, तोड़फोड़ पथराव के बाद भीड़ ने किया हाईवे जाम। हैदराबाद से हार के बाद विराट ने जताई हैरानी, कहा नहीं थी इसकी उम्मीद। टूर्नामेंट से बाहर हुई किंग्स इलेवन पंजाब, चेन्नई सुपर किंग्स ने आखिरी मैच में हराया।